इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 800 इज 65। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो एक जुगाड़। ऐसे क्वेश्चन करोगे तो अगर ये फिगर में 4% ना तो कुछ और होता तो क्या करते। देखो 65.28 इज 2 ईयर सीआई, ध्यान देना मैं जो करता हूं पूरा टॉपिक ओरल चलता है, लॉजिकल। मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन में लंबा क्वेश्चन नहीं किया है, है ना। वो कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी कि कैसे आपको आंसर मार्क करना आना चाहिए। इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, 32.64 राइट। अगर ये सीआई है तो फर्स्ट ईयर का सीआई इससे लेस होगा और सेकंड ईयर का थोड़ा ज्यादा होगा, ये तो होगा। मतलब मान लेते 32 है और इधर 33.28 हो गया, ऐसे तो कुछ होगा भाई। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कम होगा, सेकंड ईयर ज्यादा होगा। अच्छा थर्ड ईयर में थोड़ा ज्यादा होगा, माना 35 हो गया। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं और मान लेते हैं 32 ही रहता तो इसका जरा 3 गुना करो, 97 पॉइंट समथिंग, और 97 से ज्यादा केवल एक ही ऑप्शन है आंसर। और नहीं समझे, देखो मैंने क्या बोला, अगर 65.28 दो साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, डिवाइड बाय 2 कर लो, 32.64 आया, मतलब पहले साल का से थोड़ा कम होगा, अगले साल का थोड़ा ज्यादा होगा इससे, है ना। अरे नहीं समझे बात, मान हाँ ना 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 ना, मैंने कहा ज्यादा ही हो सकता है बस। देखो आप एक सेकेंड, 32 30, अगर हम 65.28 में 32.64 जोड़ेंगे तो 98 आ रहा है, नहीं समझे बात भाई। उससे ग्रेटर ही होगा, फिर इंटरेस्ट बढ़ता ही जाता ना हर बार, हमने तो जस्ट हाफ को जोड़ के देख लिया, उससे ज्यादा ही होगा कंफर्म है। तो आंसर इज 100 100% 100, समझे। इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने केवल वही रूल लिया है। हाँ 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 कन्फर्म कर लेना, मेहनत कर लेना आराम से, आंसर 100 आएगा, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। 65.28 अपॉन 800 इज इक्वल 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2 माइनस 1, है ना, ये प्लस 1 होगा, तो 865.28 अपॉन 800 इज इक्वल 1 प्लस, हाँ वो तो कर सकते हो आप। और फिर ये रूल बनेगा, ये 400 बनेगा, ये होगा 4 3 2 6 4, है ना, ये 20 का स्क्वायर है, ऊपर कुछ ना कुछ बनेगा, आर आ जाएगा। टाइम ज्यादा हो तो अलग बात है। अ पर्सन डिपॉजिट सम मनी इन सेविंग अकाउंट एंड रिसीव रुपीज 15 एज इंटरेस्ट, ही एड 85 टू दिस एंड डिपॉजिटेड फॉर एन ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर ही रिसीव 420 इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, व्हाट वाज द मनी डिपॉजिट एट द रेट एंड द रेट ऑफ इनिशियली। देखो इस क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है, दो तीन तरह से कर सकते हैं हम। अ पर्सन डिपॉजिट सम मनी इन सेविंग अकाउंट एंड रिसीव रुपीज 15 एज इंटरेस्ट and he adds 85 to this add deposit it for an year, at the end of year he receive 420 including principal and interest, what was the money deposit। अच्छा इसमें एक एक बहुत important बात है, इसमें कहीं ऐसा नहीं बोला हुआ है कि ये simple interest है compound, हम simple मानेंगे, जब तक कुछ mention हो simple माना जाएगा। और इसको करने का सबसे आसान तरीका, ये option नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, why, क्योंकि उसको कुल मिला है 420 है ना, इसका मतलब दो ऑप्शन तो कट गया। मेंस का क्वेश्चन है, आप इसी तरह से आसानी से कर सकते हो। अच्छा उसके बाद 5% और 3%, क्योंकि दोनों में प्रिंसिपल सेम है 300 300, हम कौन सा लें, 5% अच्छा लग रहा है क्योंकि 5% की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हाँ 5 से 15 हो जाएगा, पहले साल का 15 रुपए 315 हो गया, 85 करके 4, हाँ बस तो आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन तब का है जब सब्जेक्टिव तो पूरा करना पड़ा होगा ना, माना एक्स है ना, माना एक्स ये, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर वो, तब ऑप्शन, ये ऑप्शन मैंने बनाया खुद से आंसर मैच कराने के लिए, मैंने आंसर बनाए, ऑप्शन बनाए, लेकिन क्वेश्चन लॉजिकल बहुत अच्छा था। अब तो आपके ऑप्शन होता है, अ पर्सन विदड्रॉ 1,10,000 क्लोज हिज अकाउंट इन अ बैंक, ही विदड्रॉ 65,000 एन ईयर एगो, 2 years एगो ही विदड्रॉ withdrew 1,25,000, if rate of interest 10% per annum interest is calculated yearly, then what sum he would have deposited 3 years ago in the bank when opening an account। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि यहां बोला हुआ है if rate of interest 10% and interest is calculated yearly, जब भी बोला जाए interest is calculated yearly मतलब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा रिवर्स लेके चलते हैं, लास्ट थर्ड ईयर में उसने कितना निकाला, 1,10,000,
सेकेंड ईयर में 65,000 एंड फर्स्ट ईयर के एंड में 1,25,000 और इंटरेस्ट रेट 10% है। मेथड नंबर वन, या तो आप एक्स मान लो, एक्स का रेट 10% फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट होगा 11x/10 माइनस उसने 1,25,000 निकाल लिया, ये तो वो होगा। फिर इस पर 11/10 करो, ऐसे तो करते जाएंगे हर बार, फिर माइनस तो लंबा नहीं जाएगा क्वेश्चन। आप ऑप्शन से करते हैं इसको, देखो हमारे पास तीन ऑप्शन है, 6 लाख 2.5 लाख। आप एक बात समझो, टोटल मनी जो निकाली है वो कितनी है, 3 लाख। टोटल मनी सब मिला के 3 लाख है, जिसमें कि प्रिंसिपल भी इंक्लूड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूड। तो आंसर कौन से नहीं हो सकते, दो बी और सी तो हो नहीं सकते हैं, ए नहीं, नन ऑफ दीज भी है ना। तो अब हम चेक कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ज्यादातर क्वेश्चन SICI के ऑप्शन से हो जाते हैं, आपको वो अप्रोच पता होना चाहिए कि क्या नहीं हो सकता है। Now, we'll start with 2,50,000. 2,50,000 का 10% से इंटरेस्ट कितना होगा, 25,000 है ना, और 25,000 से कितना निकाला उसने, 2,75,000, एक साल बाद हो गया होगा उसका। अगर 2.5 लाख उसका इन्वेस्टमेंट होता तो एक साल बाद 10% से 25,000 उसका अमाउंट बनता 2,75,000 एंड ही विड्रू रुपीज 1,25,000, बचा कितना 1,50,000 एक साल बाद। उसके बाद इसने क्या किया, 10% का जोड़ लो 15,000 हुआ है ना, इसका 1,65,000 इसने कितना निकाल लिया, 65,000 निकाल लिया, बचा कितना 1 लाख, 1 लाख का 10% 1,10,000, अकाउंट क्लोज। आंसर इज ए ऑप्शन, समझे। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। प्रॉब्लम तब आती जिसमें ऑप्शन 2 लाख होते, 2,40,000 तब प्रॉब्लम आती है ना, तब क्या सेलेक्ट करें। A certain sum is borrowed at 6% per, मैं ऑप्शन से भी करेंगे और तरीका भी है। A certain sum is borrowed at 6% per annum rate of interest at the end of first year, 6,800 return and the rate of interest on the remaining sum is increased by 1%. तो देखो first year का rate क्या होगा, 6x/100, this is rate for first year, interest for first year, right? अच्छा second year में क्या हुआ होगा, उसने कितना लौटा दिया। अच्छा इसमें कौन सी इंटरेस्ट लेंगे, सिंपल या कंपाउंड, कहीं बोला तो नहीं है कंपाउंड लेना है, सिंपल लेंगे। अच्छा अब अगली बार उसका क्या बचा, 6,800 रिटर्न, तो अब एक्स माइनस 6,800 ये तो उसका बना प्रिंसिपल, और 5% रेट हो गया अपॉन 100। नाउ दिस इंटरेस्ट इज 11/20 ऑफ द इंटरेस्ट, दिस इंटरेस्ट जो अब आया सेकेंड ईयर में, दिस इज 11/20 ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब मैं इसको ऑप्शन से कैसे करूंगा, दोनों ध्यान देना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर जो वैल्यू आ रही है, ध्यान देना स्टेप को, 11 × 6/20 है ना, ये 3 का मल्टीपल आ गया, इधर ये 5 का मल्टीपल है और ये x माइनस 6,800, इसका मतलब जो भी आंसर हमारा x होगा उसमें 6,800 घटाने पर वो 11 का मल्टीपल आए और 3 का मल्टीपल भी आए। अरे समझे बात मेरी, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब कि अगर देखो ये यहां पर जो मेरे पास आया 6x/100 का 11/20 करो, दिस इज इक्वल टू x माइनस 6,800 इंटू 5/100, ये तो बोला हुआ क्वेश्चन में। सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का 11/20 है, इसका मतलब यहां पर 11 है तो ये पूरा नंबर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 100 काट दो। चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो आप यहां पर अब, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ओरल कैसे करेंगे। ये नंबर 11 का मल्टीपल होना चाहिए और ये नंबर 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, क्योंकि 5 ना तो 11 का ना 3 का, इधर 3 और 11 दोनों आ रहे हैं। तो मैं देखता हूं किस ऑप्शन में से 6,800 घटाने पर वो 3 और 11 का मल्टीपल आता है। पहली बात तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हो अगर कोई नंबर 1,500 3 का मल्टीपल है, 6,800 घटाओगे तो नंबर बचा हुआ कभी भी 3 का मल्टीपल नहीं आ सकता है। एक दोनों 3 के हो तो डिफरेंस 3 का मल्टीपल आएगा, और अगर एक हो एक ना हो तो 3 का मल्टीपल नहीं आएगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अच्छा 1700 में से 6800 घटाओ तो आएगा 10200, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है, 3 का है, ये नहीं होगा। 1900 में 6800 घटाओ 1200 ये आएगा, नहीं आएगा, ये हो सकता है क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। सॉल्व कर लेना इसको, 10 3 33x इज इक्वल 50x माइनस
50 × 6800 17x इज इक्वल, इसमें इस क्वेश्चन में एक मिसिंग है लाइन की कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। देखो सुनो नहीं, इससे 20,000 आ रहा है, रुको एक सेकेंड, इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में गलती है, वो होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्वेश्चन हम कैसे समझे कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है। आप समझो मेरी बात, या तो ये बोलता है कि इंटरेस्ट जोड़ लिया गया है प्रिंसिपल में, है ना, तो अगर हम यहां सॉल्व करते हैं आंसर 20,000 आ रहा है, अगर हम इसको कंपाउंड सिंपल से सॉल्व कर रहा हूं, लॉजिक कहीं फेल नहीं होते डिविजिबिलिटी वाले। मैंने जो लैंग्वेज ली थी वो मैंने ली थी सिंपल इंटरेस्ट की, मैं इसको कंपाउंड से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज में एरर है, इट शुड बी क्लियरली मेंशन दैट इट इज सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। यहां पे मेंशन नहीं है तो हम सिंपल मानेंगे, एग्जाम में ध्यान रखना, अगर ऐसा आ जाए तो आप सिंपल मानोगे। कैसे पता लगा कि कंपाउंड है, कहीं लिखा है क्या बात, कोई लैंग्वेज है? या तो बोलेगा कि इंटरेस्ट जुड़ गया है, हाँ जब नहीं दिया तो ऐसा ही लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं कंपाउंड से कर लेता हूं। इस क्वेश्चन करेक्शन कर लो कि इट इज ए कंपाउंड इंटरेस्ट, बस। अ सर्टेन सम इज बोरो, देखो यार 6% से बोरो किया आपका 6x/100, ये हो गया प्रिंसिपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज 3x/50, दिस इज इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ओके। उसके बाद अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो एक्स प्लस 3x/50 होगा, दिस इज 53/, और इसमें से मैंने घटा लिया कितना 6800, ये तो क्या क्वेश्चन में, दिस इज व्हाट न्यू प्रिंसिपल, इसका इंटरेस्ट रेट 53 -6800 इंटू 5/100 एंड दिस इज 3x/11/20। अब आप क्या करोगे, अब आप सॉल्व को ज्यादा आसान रहेगा इस वक्त इस वक्त वैसे बड़ा हो जाएगा उसे, 33x इज इक्वल 100 53x/50 -6800, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 106x-6800, दो जीरो लगा दो 33x, तो ये कितना हो जाएगा 73x। एक्चुअली मैंने उसमें प्रिंसिपल जोड़ूंगा ना, 53/x होगा ना, ये सही है। यहां पर यहां पर क्या गलती हुई है, ओहो यहां 50 है यार, ये 50 है, ठीक है, गलती समझ में आ गई। तो यहां पर एक वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये जाएगा 66 हो जाएगा, तो ये 66 हो जाएगा, 40 बचेगा, हाँ तो 40 से आ जाएगा 6800 और ये हो जाएगा 17,000। अब इसका बताऊंगा आपको शॉर्टकट, कुछ क्वेश्चन करने पड़ जाते हैं, अगर यहां पर लिखा होता ना कि ये कंपाउंड तो क्वेश्चन आसान हो जाता। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, इसको मैं ऑप्शन से कैसे करता, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी जल्दी करने के लिए। देखो एग्जाम में कोई ऐसा आपके पास रूल नहीं होगा कि आप वैल्यू को कैलकुलेट इजिली कर लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे स्ट्राइक होती, 6800 जो उसने रिटर्न किया है ना, उसके बाद जो अमाउंट बच रहा है 11/20, जो इसका इंटरेस्ट आएगा 6800 माइनस करने के बाद, इसका मतलब 6800 जो भी प्रिंसिपल होगा, माना 53/x आया था ना हमारा इंटरेस्ट अमाउंट, और माइनस 6800 किया था मैंने, तो 6800 और x में को रिलेशन होना चाहिए ना, 68 किसका मल्टीपल है 17 का, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है इन चीजों से, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी वैल्यू बन रही है कुछ, ठीक है, समझ में क्या बोल रहा हूं। तो हम क्या कर, और दूसरी बात, 13,000 इज लोएस्ट छोड़ देंगे, 1900 इज द हाईएस्ट वैल्यू, इधर 15,000 से स्टार्ट करोगे 17,000, आपको एक क्लू मिल गया कि 6800 इज मे बी पॉसिबल 17 का मल्टीपल, तो शायद 17 हो सकता है, एक क्लू मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, 17 का 6% से इंटरेस्ट कितना होगा, 1020 है ना, 1020 होगा, अगर मैं उसको जोड़ता हूं 17,000 में 1020 जोड़ लो आप, तो 02018 -6800 किया गया,
ये तो क्या गया, टू और टू वन। अब ये 11 का मल्टीपल आ गया ना, मतलब 11/20 करना भी उस साइड, मतलब ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो ये जजमेंट होता है, कोई जरूरी नहीं कि आप ये बात हमेशा ही लागू हो जाए। मैं इसको आगे भी कर देता हूं, इसका 5% अपॉन 100 करोगे, एक जीरो कटेगा, टू टाइम जाएगा 561, 561 इंटरेस्ट यहां पर आ गया। इधर कितना आया था, 1020 आया था ना, इसका 11/20 क्या ये आता है, 2551, यस 561 आ गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब आंसर इज ए ऑप्शन। कोई रूल नहीं है कि आप ऐसे करो, आपका जो जजमेंट उस वक्त हो जाए, एग्जाम के वक्त जो लग जाए, जो अच्छा लगे वो कर देना, मतलब जल्दी होना चाहिए क्वेश्चन, बस नोट करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिक्स नाउ।